इवेंट कंपनी के ऑनर ने सिंगर हनी सिंह के खिलाफ मुंबई के बीकेसी पुलिस स्टेशन में मारपीट और किडनैपिंग के मामले में केस दर्ज कराया है। गुरुवार को हनी सिंह ने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ दर्ज हुए केस को झूठा और बेसलेस बताया। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही उनकी लीगल टीम इसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर सकती है। दरअसल मुंबई में विवेक रमन नाम के व्यक्ति ने हनी सिंह के खिलाफ उनके साथ किडनैपिंग और मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर हनी सिंह ने पोस्ट करते हुए लिखा, मेरे खिलाफ की गई शिकायत पूरी तरह से झूठी और बेसलेस है। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाया जा रहा है, मेरी कंपनी और शिकायतकर्ता के बीच न ही कोई एग्रीमेंट हुआ है और ना ही इसका कोई कनेक्शन है। मैंने ट्राइब वाइब नाम की कंपनी से मुंबई में शो करने के लिए कॉन्टेक्ट किया था। ये एक रेपुटेड कंपनी होने के साथ साथ बुक माई शो की सिस्टर कंपनी भी है। हनी सिंह ने आगे लिखा, मुझे जितनी देर के लिए परमिशन मिली थी सिर्फ उतनी देर मैंने मुंबई में परफॉर्म किया था। मुझ पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और बेसलेस हैं। ये मेरी इमेज खराब करने की कोशिश मात्र है। मेरी लीगल टीम मुझ पर लगाए गए इन झूठे आरोपों के खिलाफ जल्द ही मानहानि का केस दर्ज कर सकती है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।